Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग. आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काजमी. उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे. साथ साथ आज बहुत सी नई कहानियां, टॉपिक्स और बातें हम आपके लिए लेकर आए. जी हाँ, बिल्कुल अपनी लाइफ को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आप पेट्रियोटिक डेज को भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, जिसने हमारे जज्बे और जोश को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. तो बात करेंगे 1965 की पाक भारत जंग के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की बरी और बहरी फौज ने अहम किरदार अदा किया. साथ साथ पाक फिजाइया ने बरी फौज के शाना बशाना काम किया. आदमपुर और पलवाड़ा के हवाई अड्डों पर कामयाबी हासिल की. दुश्मन के 22 तैयारे मार गिराए. इस जंग में जहां तीनों ही मुसल्ला अफवाज ने वतन के दिफा में मिसाली किरदार अदा किया, वहीं पाक फिजाइया का किरदार बेहद खास था. 17 दिनों के इस जंग में पाक शाहीनों ने दुश्मन के 100 से ज्यादा तैयारे मार गिराए, जबकि 19 को शदीद नुकसान पहुंचाया. इसके मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारे थे जिनको नुकसान पहुंचा. जी हाँ बिल्कुल. और 7 सितंबर की बात की जाए तो पाक फिजाइया का ही दिन कहलाता है. पाकिस्तान में ये दिन यौम फिजाइया के नाम से जाना जाता है. और आज ही का वो दिन था जब एमएम आलम ने F-86 जंगी जहाज से दुश्मन के दांत ऐसे खट्टे किए कि वो आज तक ना भुला सके. जी हाँ बिल्कुल. एमएम आलम भी एक सिपाही थे जिन्होंने इंतहाई महारत और जज्बे के साथ दुश्मन के 9 जंगी तैयारे गिराने और 5 जहाज 1 मिनट से पहले गिराए थे और आलमी रिकॉर्ड बनाया और 2 बार सितारा जुर्रात भी मिला. बिल्कुल ऐसा ही है. और ये वो लम्हा था जब एक ही फिजाई झड़प में पाक फिजाइया की हुक्मरानी के उस दौर का आगाज हुआ जो आगे चलकर हमारे शाहीनों का मुकद्दर बना. आज भी कुछ ऐसी ही बेमिसाल किरदार और बेमिसाल कहानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारी तारीख के बाब को रोशन किया. और उन्हीं नामों में एक नाम जो है वो मरियम मुख्तियार का भी है, जिनको हम नहीं भुला सकते. इन्हीं सब बेखौफ और बिला दरेग हिम्मत और जुरत की दास्तानों को याद किया जाएगा और हमारे जवानों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा. लेकिन शो के आगाज में ही सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर. तो जनाब, जंग मेरे पास है और जंग की जो मेन लीड है और जंग में जो अहम खबरें हैं वो डेफिनेटली कल के हवाले से हैं. जिस तरीके से तमाम अहम सर्विसेज चीफ ने अपने बयान दिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे आर्मी चीफ के बयान के हवाले से, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पीच की. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रावलपिंडी में मरकजी तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने डू मोर जो है वो बहुत कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया को ये कहा जाए कि जी अब आप हमारे लिए डू मोर करें. तो इस हवाले से उन्होंने ये जो बयान दिया है, तो डेफिनेटली हमारे आर्मी का ये जो बयान है इंतहाई काबिले जिक्र ये बयान है. और इस तरह के बयान के बाद देखते हैं कि एक आलमी तौर पर भी कश्मकश सी है और तमाम इंस्टेबिलिटी जो थी वो तमाम जो है अब बहुत बेहतर हो गई है और अब हमने अपनी पॉलिसी अमेरिका पे पूरी दुनिया पे वाजे कर दी है. किस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया और किस तरीके से उन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप हमें इज्जत दें, जितनी भी हमने जंग लड़ी है आप हमारी कुर्बानियों को सराहें. तो ये बयान जो है आज जंग की. अच्छा, कल ही से सारा दिन हम देख रहे थे बातचीत जब हो रही थी आर्मी चीफ के बयानात के हवाले से, तो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर गौर किया जा रहा था कि आज कौन कौन से बयानात और किस तरह की पॉलिसी आर्मी चीफ की जानिब से वाजे होगी. तो कल हमने देखा कि अमेरिका को भी एक तरफ दो टोक जवाब दिया और उसमें उनका कहना था कि जनाब हमने तो बहुत डू मोर कर लिया, अब दुनिया को डू मोर करना है. तो वाकई में यहाँ पे बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि अब दुनिया जो है या आलमी ताकतें जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकेंगी या क्या नहीं कर सकेंगी. दूसरी जानिब हमने देखा कि जहां पर उन्होंने भारत के हवाले से भी बातचीत की, भारत को भी अपना पैगाम पहुंचाया, कश्मीरियों के हवाले से भी उन्होंने अपना मौके बहुत वाजे किया. वहीं पर हम इस हवाले से आगे चल के भी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद कशीदा कश्मीर की बेसिस पर हो रहे हैं या फिर सीपैक की बेसिस पर हो रहे हैं. और अब हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात चूंकि वक्त के साथ साथ मजीद कशीदा हो रहे हैं, तो इस सब पर भी हम आगे चलकर बातचीत करेंगे. अच्छा, एक चीज जो कल उनके बयान में मुझे अहम दिखाई दी जो कि हम सबके लिए मैसेज है, मीडिया वालों के लिए मैसेज है, उन्होंने कहा कि मीडिया का किरदार
किरदार जो है वो इस दहशतगर्दी को खत्म करने में इंतहाई अहम है। वो इसलिए क्योंकि ये जंग जो है वो सिर्फ जमीनी नहीं है बल्कि जहनी तौर पर भी, नजरियाती तौर पर भी जो है ये जंग करनी हमें बहुत जरूरी है और इस सब में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। तो क्या हम अपने इस किरदार को अहम और बाखूबी तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं, इस सब पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो यही जो खबर है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। ठीक है, और अगर बात की जाए ओवरऑल न्यूज़पेपर के हवाले से, बिजनेस रिकॉर्डर के हवाले से या जंग के हवाले से, तो जितनी भी अहम खबरें हैं उनमें एक खबर ये भी है कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज फिर से होगा और इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। शरीफ खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या शरीफ खानदान के असासे मुंजमद कर लिए जाएंगे, तो इस हवाले से जो है कल भी इजलास हुआ था लेकिन फिर वो मौखर कर दिया गया था और 8 सितंबर तक जो है यही कहा गया कि तमाम रेफरेंसेस जमा कराए जाएं और इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास है और इसमें फैसला होना है, इसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं कि क्या होगा। जी ठीक जनाब। अच्छा, रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी आपको बताएं कि जहां पर अभी जुल्म की दास्तानें रकम की जा रही हैं वहीं पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही जगह जगह पर एहतजाज शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के तो मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा तौर पर रैलीज निकाली जा रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर भी, कराची के भी अंदर, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और डेली बेसिस पर धरने दिए जा रहे हैं। तो वकला बरादरी भी जो है वो इस सब में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है और उन्होंने भी अदालतों का बायकॉट किया है और सबका ये प्रेशर बिल्ड करने की इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वो इस अजाब से निकाला जा सके, वहाँ पर हालात को बेहतर किया जा सके। जी हाँ बिल्कुल, रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से जो तुर्की ने रोहिंग्या मुसलमानों को 10,000 टन इमदादी अशिया फराहम करने का फैसला भी कर लिया है जबकि 1.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश से माइग्रेट कर चुके हैं। तो जनाब अब हम बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। आपको बताएं कि आर्मी चीफ का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनका कहना था कि हमने बहुत डू मोर कर लिया, वक्त आ गया है कि दुनिया हमारे लिए डू मोर करे। पाक फौज के सिपा सलार का आर्मी बरादरी को वाज़े पैगाम, कहते हैं जिहाद रियासत का हक है, कश्मीरियों की हिमायत से हमें कोई नहीं रोक सकता। कराची में सीवीओ पर तेल की मौजूदगी आबी हयात के लिए बड़ा खतरा बन गई है, तेल कहां से आया, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, सफाई के लिए इंतजाम जारी। और ईद कुर्बान तो अभी खत्म हो गई लेकिन गोश्त अभी बाकी, मुल्क भर में कुर्बानी के जानवर का जरूरत से ज्यादा गोश्त खाने से 5,500 से ज्यादा लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। तो जनाब ये सारी स्टोरी जो है वो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सी बातें होंगी लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि सिंध हाई कोर्ट आईजी सिंध एडी ख्वाजा को ओहदे पर बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। एडी ख्वाजा के तबादले से मुताल्लिक केस पर फैसला 3 माह कबल महफूज कर लिया गया था जबकि आपको बताएं कि 1 अप्रैल 2017 में सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध को ओहदे से हटाया था। और इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, फैसला सामने आ रहा है, ओहदे पर बरकरार रखने का कहा गया है। जी देखिए, आईजी सिंध को सबसे पहले दिसंबर 2016 में जिस वक्त उनका ट्रांसफर किया गया था उस वक्त एक शहरी करामत अली की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था ये गैर कानूनी अमल है और अदालत ने उस पर हुक्म दिया था कि जब तक के अदालती मामला इसमें शामिल ना हो, अदालत को आगाह ना किया जाए जब तक उनका तबादला नहीं किया जा सकता। लेकिन 2017 अप्रैल में एक बार फिर हुकूमत ने जब उनका तबादला किया तो तौहीन अदालत ने दरख्वास्त दायर की गई जिस पर दरख्वास्त गुजार का कहना था के आईजी सिंध के पास, आईजी सिंध को हटाने के अख्तियार सूबे के पास नहीं है और इसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि अदालती हुक्म के बावजूद ऐसा किया जाना तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। ये दरख्वास्त जेल समाप्त थी, फरीकैन के दलाइल हुए और उसके बाद 30 मई को इस पर फैसला महफूज किया गया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि विफाक के पास ये अख्तियार है, सूबे आईजी को हटाने का अख्तियार सूबे के पास नहीं है। उसके अदालत ने यह भी कहा है, सबसे अहम चीज ये है कि 17 जुलाई 2017 के बाद जो भी ट्रांसपोस्टिंग पुलिस में हुई है वो गैर कानूनी है क्योंकि आई ट्रांसपोस्टिंग जो सिंध पुलिस में होना है उसकी जिम्मेदारी आईजी सिंध की है, लिहाजा ये भी गैर कानूनी करार दिए और आईजी सिंध को उनके ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आईजी सिंध को उनके ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म दिया है, इस मामले पर पहले भी जो है वो काफी बात हो चुकी है, विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं, इस हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि सिंध हुकूमत का इस पर क्या मौकफ है।
देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने जो मौके अपनाया था उनका कहना यह था कि ये एक सूबाई मामला है, खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबा ट्रांसफर पोस्टिंग के अख्तियार रखता है और इस सूबे को अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी अफसर का तबादला कर सकता है और उसी को इस्तेमाल करते हुए आईजी सिंध को हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ अब जो दलाइल हुए उसके बाद अदालती फैसला यही है कि ये वफाकी हुकूमत जो है वो इस पर अमल कर सकती है, सूबे के पास उनको हटाए जाने का कोई इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है, सिंध हाई कोर्ट आईजी सिंध एडी ख्वाजा को ओहदे पर बरकरार रखने के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे हम, और सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर की जानिब बढ़ते हैं जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हमा भट्ट, उनसे जानते हैं कि शहर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। गुड मॉर्निंग हुमा, कैसी हैं आप और क्या क्या खबरें हैं आज आपके पास? जिसका आगाज मैं करूंगी वो तो मौसम से करूंगी, क्योंकि मौसम जो है वो कल की मूसलाधार बारिश के बाद आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन यकीनन आप देख भी रहे होंगे कि सूरज जो है वो यकीनन में आसमान पर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बादल भी यहाँ पर मौजूद हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज भी किसी भी वक्त हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है, तो आज लाहौरियों को फिर एक दफ़ा खुशी मिलने का इम्कान है। तो लाहौरी खुश हो जाए कि किसी भी वक्त बारिश होगी और वो फिर इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जिक्र किया जाए इवेंट्स का, तो इवेंट्स में मेन जो इवेंट है वो आज ये है कि ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं और 2 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था इन बीए के इम्तहान में, जिनमें से 1 लाख के करीब जो हैं पास हुए हैं। तो इसके लिए एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आज जो जिन्होंने डिस्टिंक्शन से जो पास हुए हैं जिनकी पोजिशन आई हैं पोजिशन होल्डर्स को आज इनामा तकसीम किए जाएंगे। और इसके अलावा आज बर्मा के हवाले से जो मजालम ढाए जा रहे हैं बर्मा में, उसके हवाले से यहाँ पर स्टूडेंट्स भी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट होगा बर्मा में जो मुसलमानों पर मजालम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ। जी ठीक है, अच्छा हुमा, पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से आपने बात की, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के हवाले से बात की, तो आप चलें वाईडीए ना सही तो स्टूडेंट और पीटीआई सही, ये बताइए प्रोटेस्ट के इनके क्या मुतालबात हैं, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट और पीटीआई दोनों? जी बिल्कुल, इनके मुतालबात यही होंगे कि जो पाकिस्तान है और जो मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मुतहद हों और इनके खिलाफ एक करारदाद जो है वो पेश की जाए। और इसके साथ साथ इसमें ये भी बात यकीनन उठाई जाएगी कि सलामती कौंसिल, जो कि जैसे ही हाइड्रोजन बम की एक हाइड्रोजन बम का एक किया गया तजर्बा किया गया उसके ऊपर शुमाली कोरिया के खिलाफ तो करारदाद लेकर अमेरिका पहुँच गया सलामती कौंसिल में, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बर्मा में इतने मुजालिम उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा कश्मीर है और दूसरे तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी मुजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ से कोई भी एक्टिविटीज कोई भी करारदाद जो है वो सामने नहीं आती और फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके खिलाफ भी यहां पर एक जो है पेश किया जाएगा, मुतालबा पेश किया जाएगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी करारदाद पेश की जाए सलामती कौंसिल में, और इसके साथ साथ जो मुजालिम है उसको खत्म किया जाए और बर्मा की जो मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फौरी तौर पर बोला जाए कि वो ये जितनी भी कत्ल किया जा रहा है वहाँ पर की जा रही है मुसलमानों की वो खत्म की जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। और जैसे कि मैं बता रही थी कि जगह जगह पर इस वक्त बर्मा के अगेंस्ट एहतजाज किए जा रहे हैं, सड़कों पर लोग निकल आए हैं। इसी हवाले से मजीद भी कुछ इदारियों में बातें जो है वो हम करेंगे, इदारे भी इस हवाले से लिखे गए हैं, लेकिन फिर वक्त हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब। वफाकी दारुलहुकूमत में आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं, कौन से मेगा इवेंट्स हैं, इन तमाम की तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली फुरकान से। जी अली फुरकान, बताइएगा इस्लामाबाद में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं? अली फुरकान, आपको आवाज आ रही है? ठीक है जी, अली फुरकान से हमारा राबता नहीं हो पा रहा है, तो हम जैसे ही राबता होगा तो डेफिनेटली जानेंगे कि शहर इक्तदार में क्या है। तो अब हम जानते हैं कि आज हमारे एडिटोरियल्स में क्या है, जिसके लिए अखबारात में कौन कौन से मौजू आते हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप, क्या कह रहे हैं एडिटोरियल?
एडिटोरियल हमने सभा एक याद है कि अपने डोनाल्ड ट्रंप की बयान के बाद हमने कहा था कि पाकिस्तान पे इतना डोमोर का मुतल्ला मत करो कि पाकिस्तान नोमोर कहने पे मजबूर हो जाए, और आज वो दिन आ गया। हमने यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ का खिताब अभी आपने खबर में ही पढ़ा, बिल्कुल वाजे पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ने बहुत कर लिया, अब दुनिया को डोमोर करना है, ये आर्मी चीफ ने वाजे किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया जो हम देख रहे हैं कि आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो आलमी ताकतें अपनी नाकामी का मलबा या जिम्मेदारी पाकिस्तान पर मत थोपें। अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ी जा सकती। आर्मी चीफ ने बिल्कुल क्लियर कहा, उन्होंने ये भी जिहाद के कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने कहा कि जिहाद सिर्फ स्टेट का हक है और स्टेट की करने का हक है, और हम इन दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से, क्योंकि दहशतगर्दी हमारी अपनी बका की जंग है, हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात मजीद जो आर्मी चीफ ने कही वो कही है उस हवाले से, जो एक परसेप्शन था कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कुछ हमारे इंतजार का शिकार है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कौमी जिंदगी में हमें कुछ मुश्किलात का सामना जरूर हो सकता है, लेकिन दिफा के मामले में कौमी इम्तियाज, ये हमारा कौमी इम्तियाज है, इसमें कोई किसी दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। साथ में आर्मी चीफ ने अवाम से अपील की कि दहशतगर्दी फौज जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा कर, दहशतगर्दों को खत्म कर सकती है, लेकिन दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म काबू करने के लिए कौम का ताबुन जरूरी है। हर शख्स को रदुल फसाद का सिपाही बनना पड़ेगा। बिल्कुल, हर शख्स को जो है वो रदुल फसाद का सिपाही बनना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि जिन हालात से मुल्क गुजरा है डेफिनेटली पाकिस्तान ने बहुत काविशें की हैं, और अब आपने जैसे कि कहा कि नो मोर वाली सिचुएशन पर हम आ चुके हैं। क्या समझते हैं रफीस इंसाब, पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी वाजे हो चुकी है, वजीर खारजा के भी हमने बयान देखे हैं और अब हम देख रहे हैं आर्मी चीफ ने भी इस बात को वाजे कर दिया कि हमने बहुत कर लिया, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, आप समझते हैं क्लियर हो चुका है अब सब कुछ, अब आलमी दुनिया को पता चल चुका है पाकिस्तान का क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, असल में इदारती नोट जो आए ना, जंग का नोट, अभी मैंने इदारे को डिस्कस नहीं किया था इसलिए कि इसी पर्सपेक्टिव में आए, इसका उनवान है कि फाल और मुतहरिक खारजा पॉलिसी की जरूरत है पाकिस्तान को। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कौमी अभी असेंबली की दिफाई कमेटी का इजलास हुआ, सफीरों की पाकिस्तान के सफरा का इजलास इस्लामाबाद में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, खुद वजीर खारजा का बयान आया, वजीर दाखिला का दिफा का बयान आया, इससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान को एहसास हो चला है कि पाकिस्तान को एक मजबूत मुतहरिक खारजा पॉलिसी की अशद जरूरत है और उस पर काम भी हो रहा है। और क्योंकि ये जरूरी है, भारत ने आपने देखा, भारत ने अलग ऐलान कहा कि हमें आइसोलेट कर देगा, और इसको हमें एडमिट करने में कोई वो नहीं है कि भारत काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गया है। ब्रिक्स का अलामिया देख लें आप, ठीक है, अक़वामे मुत्तहिदा के हवाले से देख लें, आप रोहिंग्या के भी इशू देख लें, भारत ने कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। कुल भूषण ने यहाँ आकर जासूसी के इल्जाम में धर लिया गया, सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में भारत जो है ना उन्हें पना, ना सिर्फ उन्हें पना दे रहा है, उनकी इमदाद कर रहा है, कौंसलेट काम कर रही है, मगर इदारिये और इदारती नोट ये कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पॉलिसी अपनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को ये नहीं आंखें बंद करके सिर्फ अपना डोजियर पेश कर दिया, अक़वामे मुत्तहिदा को बता दिया कि जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को हर मुमालिक का विजिट करना पड़ेगा, उन्हें उनकी ही मंतक में समझाना पड़ेगा कि भारत क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। चार सालों में ये बात तो वाजे हो गई कि हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी की वजह से ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में भी हमें काफी ज्यादा जो है वो अपनी देखा गया कि नाकामी का सामना करना पड़ा, कि किस तरीके से दो तंजीमों का जिक्र आया, अगर हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग होती तो ये भी ना होता। और दूसरी बात आपने की है आर्मी चीफ के बयान के हवाले से, तो डेफिनेटली अगर इस बयान को हम कल के आर्मी चीफ के बयान को हम देखें तो आपको नहीं लगता कि एक तो हमारी पॉलिसी क्लियर हो गई और दूसरा ट्रंप ने ये बयान देके अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये बड़ी पॉजिटिव साइन हो गई है कि जी दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप, और ये ट्रंप ने बयान देके अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर ली है। उसकी वजह यह है कि अगर अफगानिस्तान में आप अमन की बात है तो पाकिस्तान को लूप में लिए बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं सभा, और ये ट्रंप को भी एहसास हो गया, इंतजामिया को एहसास हो गया और मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो अभी मौके है ना, अभी आपने देखा उनके डेलीगेशन को भी हमने कहा कि अभी आने की जरूरत नहीं है, बाद में आइएगा, ये पाकिस्तान को अगर यही स्टैंड पहले अपना लेता पाकिस्तान तो आज हमारा स्टेटस, हमारा मयार, हमारा रुतबा कहीं ऊपर होता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को भी एहसास हो गया और हमें अब बाकायदा इस जंग को फ्रंट फुट पे आगे खेलना पड़ेगा। और कल जो मकबूजा कश्मीर की बात की थी और ब्रिक्स इजलास की आपने बात की, तो जहां पर ब्रिक्स के इजलास में काफी चीजें तय हो रही थी, काफी डिस्कशन हो रही थी, वहीं पर ईद उल अज़हा में मकबूजा कश्मीर में घर जलाया गया है, लोगों को हलाक किया गया है, मगर ब्रिक्स में इसके हवाले से कोई बात नहीं की गई है। और जबकि कल आर्मी चीफ का यह बयान बात वाजे कर देता है कि कश्मीर पे पाकिस्तान पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो नफीस नईम साहब, खारजा पॉलिसी की कहीं ना कहीं नाकामी नजर आती है, लेकिन आर्मी चीफ के इस बयान ने आलमी तौर पर भी पाकिस्तान के परसेप्शन को बेहतर किया है और न सिर्फ कौम का मोराल बुलंद किया है बल्कि तमाम उन जवान
जवानों का भी मोराल बुलंद किया है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक, अच्छा नफीस सईद साहब, ये सारी सिचुएशन तो अपनी जगह, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े हो चुकी है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने कहा कि अब पॉलिसी तो बनेगी, लेकिन हमें डायरेक्शन तो नजर आ गई इन बयान से कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ हमारा रुख है, तो क्या समझते हैं अगर ये पॉलिसी इसी तरह बनती है जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आलमी बरादरी पाकिस्तान को किस नजर से देखना शुरू कर देगी, क्योंकि मुतालबात तो अभी भी किए जा रहे थे कि डू मोर कीजिए जनाब, और अगर पाकिस्तान कहता है कि जी हम कर चुके हैं इनफ फ्रॉम आवर साइड, तो फिर नेक्स्ट क्या आप देखते हैं होता? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हमें पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, जिस तरह आर्मी चीफ ने उसी बयान में कह रहा हूं किताब में उन्होंने कहा कि हम इस्लाहात में भी फौज इदारों के साथ पूरा तआवुन कर रही है, आप पुलिस को देख लीजिए, महकमा देख लीजिए, आप कानूनी तौर पर देख लीजिए, वो तमाम जो है फौज जो है नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम इदारों के साथ काम कर रही है, जब अपना होमवर्क कर रहे हैं, अब हमें इस चीज को एक आउटलुक को अपने इंटरफेस को दुनिया को दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, और वाकई में हम मैं गलत नहीं कह रहा कि हमारी हमने प्रैग्मेटिकली वो स्टेप्स लिए जो भारत नहीं कर सका, भारत ने कि आप देख लें अभी उनके गुरमीत सिंह के मामले पर पूरी स्टेट को आग लगा दी उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, मगर क्या है कि उनकी उनकी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग है, वो जितने भी जो लावा उठता है वो उसे दबाने में कामयाब हो जाते हैं प्रोपेगेंडे के जरिए, और हम लोग जो है वो आपस में या डोजियर के चक्कर में रहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं, इसलिए हमारा जो है अफसोस की बात यह है कि बर्मा वाले मामले पर भी मोदी साहब पुष्पनाई कर रहे हैं, तमाम मामले की जो दौरे पे बर्मा के, बिल्कुल। तो अच्छा नफीस साहब, बात अगर हम लोग अपनी पॉलिसी के हवाले से ही करें तो डेफिनेटली हमारी पॉलिसी खारजा पॉलिसी की तो नाकामी है, लेकिन अब चले देर आया दुरुस्त आया, अब कुछ करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने इस हवाले से, सफीरों की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें मलिया लोधी वीडियो लिंक से भी होती है। बहुत शुक्रिया आपका नफीस साहब, एडिटोरियल पर बात की। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, नहीं जी इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हम लेंगे ब्रेक। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ आ गया है एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और भी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलमी बरादरी को वाजे पैगाम दिया है कि हमने बहुत डू मोर कर लिया, अब वक्त आ गया है कि दुनिया हमारे लिए डू मोर करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी, आलमी ताकतें अगर हमारे हाथ मजबूत नहीं कर सकती तो अपनी नाकामी का मलबा भी हम पर ना डालें। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब हुई, पाक फौज के सिपाह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि फौज इस मुसल्लत की गई जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अमन का गहवारा ना बन जाए, ये हमारी बका की जंग है और हमें उसे आने वाली नस्लों के लिए जीतना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलमी बिरादरी को भी दो टोक पैगाम दिया और कहा कि अब दुनिया हमारे लिए डू मोर करे। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आलमी ताकतें अगर इस काम में हमारा हाथ मजबूत नहीं कर सकती तो हमें अपनी नाकामियों का जिम्मेदार भी ना ठहराएं। आर्मी चीफ बोले कि सी पैक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के सरमाए और अमन की भी जमानत है। सी पैक इन तालुकात का एक अजीम मजर है। हम खलूस दिल से ये समझते हैं कि सी पैक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का सरमाया और अमन की जमानत है। जनरल बाजवा ने भारत पर वाज़ेह किया कि कश्मीरियों की हिमायत से हमें कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद लाखों नौजवानों की पुरअम जदोजहद पाकिस्तान या आजाद कश्मीर से दरअंदाजी की मोहताज नहीं। ये अमर हिंदुस्तान के अपने मफाद में है कि इस मसले के देरपा हल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गाली और कश्मीरियों के खिलाफ गोली के बजाय सियासी और सफारती अमल को तरजीह दे। उनका कहना था कि जहाद रियासत का हक है। फटके हुए लोगों से भी कहूंगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो जहाद नहीं फसाद है। आपके तर्ज अमल से आपके वतन और आपके लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जनरल बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए कौम का जज्बा तआवुन और आगाही जरूरी है। जब तक बुजुर्गों का हौसला और जवानों की जुर्रात बरकरार है पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी बरादरी को वाजे पैगाम दे दिया है कि दुनिया को पाकिस्तान के लिए कुछ इकदाम करने होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई, आर्मी मामलात और बैनुल अक्वामी तालुकात पर इनकी बहुत गहरी नजर है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह करम, थैंक यू, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, आपसे बात करना चाहेंगे, ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ ने दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए डूमोर का मुतालबा किया है, आपके ख्याल में आर्मी बरादरी पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है? मेरे ख्याल है जो पहली शायद पाकिस्तान की डिमांड है इस हवाले से, वो तो इस बात की रिकग्निशन और इदराक है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क, वाहिद मुस्लिम मुल्क है पूरी दुनिया में जो टेररिज्म को खुद हैंडल कर रहा है। वरना आप जितने भी मुस्लिम ममालिक देखें, पूरा मिडल ईस्ट आप देखें, वहाँ उनमें से एक भी मुल्क अपनी इश्यूज़ को खुद हैंडल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपने इश्यूज़ को खुद हैंडल कर रहा है जो उसके पैदा करदा नहीं थे, और ओवरऑल ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में भी दुनिया के लिए फ्रंट लाइन स्टेट है, और उसके जो नुकसान है वो हम कई दफ़ा गिनवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें और आपको ये सुनने को मिले कि जी वी आर नॉट डूइंग इनफ और वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और एक जुमला ये हमारी तारीफ में कहा जाए और फिर एक पूरा पैराग्राफ इस बात पे वक्फ हो कि क्या नहीं हो रहा या क्या मसाइल हैं, तो जाहिर है कि एक हद होती है एक चीज़ को आप टॉलरेट करने की। तो पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनल कम्यूनिटी की वजह से नहीं, अपनी वजह से भी इस जंग का हिस्सा है। पाकिस्तान टेररिज्म को खुद भी मसला समझता है और उसको पाकिस्तान के लिए भी फाइट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसे दुनिया के लिए भी फाइट कर रहा है। अगर पाकिस्तान की अफवाज की ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ना होती तो ये खत्ता जो है ये तो पूरा कैओस की नज़र हो जाता। जो सूरत हाल अफगानिस्तान की है, अल्लाह माफ़ करे, जहाँ पर आप 40 से 50% हिस्से पर नॉन स्टेट एक्टर्स काबिज़ हैं, जो अफगान हुकूमत है उसका ना कोई रिट है ना कोई कंट्रोल है, तो अल्लाह माफ़ करे वो सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो जाती। सोचने और देखने की बात है ना कि पाकिस्तान में बावजूद इतने लंबे चैलेंज के क्यों ये लोग हावी नहीं हो सके। ना सिर्फ ये कि ये हावी नहीं हो सके या ना सिर्फ, बल्कि ये बैकफुट पे गए हैं और पाकिस्तान की टेरिटरी से इनको खाली कराया गया है। दूसरी जो बात मुझे हमेशा मेरा दिल चाहता है मैं इस हवाले से कहूँ कि भाई जब इंडिया फेंसिंग करता है तो वो टेररिज्म रोक रहा है, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंसिंग करता है तो पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पाकिस्तान को नापने के और मुआजना करने के, और बिल्कुल सही बात कही जनरल साहब ने कि जो इनके अपने ग्लेयरिंग फेलियर्स हैं अफगानिस्तान में, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई फोकस नहीं है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे। पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है अफगानिस्तान से, ये नई हकीकत है। जी बिल्कुल सही, पाकिस्तान ने टेंजिबल प्रूफ जो हैं वो अमेरिका को फराहम किए हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक स्पेस इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से। अगर वो इनका इदराक नहीं कर सकते तो कम से कम हम पर इल्जाम तराशी तो ना करें ना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं हुमा बकाई कि अगर आप इकदामात नहीं कर सकते तो इल्ज़ाम तराशी तो ना करें। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कश्मीर पर इंतहाई दो टोक मौकफ अख्तियार किया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है कि पाक भारत ताल्लुकात जो पहले ही कशीदा हैं क्या वो मजीद कशीदा हो जाएंगे? मेरा नहीं, और मजीद कशीदा क्या होंगे जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तकरीबन एक मिनी वॉर की सिचुएशन है। हम जब रिटेलिएट करते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, वरना वो फिर छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। कश्मीर में इंडिया को ये इस बात का खुद समझना पड़ेगा, और जो इंडिया के इवन जो इंडिया के मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, जो उनके अफवाज के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अब हमारे पास फौजी हल कश्मीर के लिए नहीं है, हमें कश्मीर के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जो जाहिर है कि एक सियासी हल है। कश्मीर में ये हमेशा कहते थे कि जी मिलिटेंसी है, अब ये बात वाजे हो गई कि वहाँ मिलिटेंसी नहीं है, मास अपराइजिंग है, जहाँ 8 साल से लेकर 80 साल का आदमी जो है वो हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा है, बच्चियों ने पत्थर उठा लिए हैं, बच्चियाँ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं, कॉलेज स्कूल की छोटी छोटी कम उम्र कम सुन बच्चियाँ हिस्सा हैं, आपने वहाँ कश्मीर की औरत की चादर तार तार कर दी है। मतलब ये तो इस किस्म की एट्रोसिटीज़ इंडिया ने कमिट की हैं कश्मीर में, जिनकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया ऑलरेडी दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन था, मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन का जब हम पहले तखमीना लगाते थे तो कहते थे कि हर 6 कश्मीरी पर एक फौजी खड़ा है, उसमें भी मजीद इजाफा हो गया।
तो आप कब तक कर्फ्यू लगा के रखेंगे, कब तक फौजी बिठाएंगे, कब तक आप टेक्नोलॉजिकल ब्लैकआउट करेंगे, इंटरनेट ये सब बंद करेंगे, मतलब इस तरह तो नहीं आप उसको रोक सकते ना। अच्छा, उसका जो गुस्सा मलबा है आपको पाकिस्तान पे निकालते हैं जी। पाकिस्तान में आपने पूरी बॉर्डर आपने फेंस कर दिया, लेजर फेंसिंग हुई हुई है, मतलब और इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने इनवाइट किया, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, हमने कहा देख लो कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक। इसके अलावा मुझे बताइए पाकिस्तान क्या कर सकता है जिसका दिल साफ होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सीपैक मंसूबा भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत की जो गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी इस मंसूबे की बुनियाद पर भी है? देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को उसको हजम करना मुश्किल हो रहा है, और भारत का ख्याल है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इनिशिएटिव नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी और उसको भी वो कश्मीर से जोड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब चाइनीज़ इन्वॉय ने इनको इनवाइट किया था उस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ा समिट जो चाइना में किया गया था, तो उस वक्त उसने इंडिया में एम्बेसी में खड़े होकर ये कहा था कि जी हमने आपकी जो तमाम सेंसिटिविटीज़ हैं उनका इदराक किया है और ध्यान रखा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडियन अग्रेशन जो है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी आप इंडिया को बहुत अग्रेसिव देखते हैं जो चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान है। और मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल सूरत हाल है जो मेरे और आपके सामने आ रही है, क्योंकि जो ग्लोबल जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ईस्टवर्ड लुकिंग स्टेट बन रहा है, तो पाकिस्तान का नेक्सस अमरीका के रवैये की वजह से हो रहा है चाइना के साथ और मॉस्को के साथ, और इन न्यू दिल्ली और वाशिंगटन में आप एक कन्वर्जेंस देखते हैं। लेकिन अगर इसको इसी तरह बढ़ावा दिया गया कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के खिलाफ इस खत्ते में पिच किया गया, तो ये तो रेसिपी फॉर ट्रबल है। ये कोल्ड वॉर के डायनेमिक्स हैं, और पाकिस्तान इंडिया दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है। तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को ये देखना चाहिए कि जो कश्मीर है वो एक बायलैटरल इशू नहीं है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, खित्ते का अमन होस्टेज है कश्मीर के तहत, अफगानिस्तान का अमन होस्टेज है कश्मीर से, तो वहाँ मेरे ख्याल है कि अगर उनको इस बात का इदराक होगा तो वहाँ पर एक किरदार होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर हुमा बकाई आर्मी चीफ के बयान के मुतालिक हमें बता रही थी किस तरीके से उन्होंने अपना वाज़े तज़िया और तबसरा पेश किया। इसलिए मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी हम उनके लिए कोई इकदाम करते हैं, अफगानिस्तान में टेररिज्म के हवाले से कोई इकदाम करते हैं, तो कहा जाता है हम टेररिज्म फैला रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई बात आती है तो डेफिनेटली कहते हैं कि जी वो टेररिज्म की रोकथाम के लिए बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बचाएगा स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। या जैसे ही एक बड़ी एक्साइटमेंट वाली खबर आई कि जी वर्ल्ड 11 होने जा रहा है, एक रिवाइवल किसी सूरत है, लाहौर में जश्न का सा समा है, वहीं पूरे पाकिस्तान में भी जश्न है, लेकिन कराची हो या दीगर शहरों के जितने भी शहरी हैं वो कह रहे हैं जी एक एक मैच जो है वो गर्म में भी हो जाता तो मजा कुछ अलग हो जाता। देखें बात तो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस गई है तो लाहौर से ही वापस गई है क्रिकेट, और लोगों का सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त कराची जो है वो तज़ीन और आराइश के मराहल से गुजर रहा है। कुछ 1.5 अरब रुपए का पैकेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, और मुमकिन नहीं था कि नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होते। बट ऑन द अदर साइड आप जो बात कर रहे हैं कि बाकी शहरों में मैच होने चाहिए, तो बिल्कुल मैच होने चाहिए, पिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, मैचेस यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, तो ये अगर एक दफ़ा टीम आ जाएगी तो फिर मुस्तकबिल में बाकी टीम आ सकती हैं, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन लोगों का शिकवा अपनी जगह मैं समझता हूँ बजाय। अच्छा क्या ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि फाइनल तो हम लोग करवा रहे हैं अब लाहौर में, तीनों मैचेस ही लाहौर के अंदर हो रहे हैं, बाकी शहर जो हैं उनके आवाम के शिकवे अपनी जगह, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या वजह है लाहौर को ही हर बार क्यों मुख्तस किया जाता है? क्या ये वजह हो सकती है कि पीसीबी ऑफिशियल सारे वहाँ पर हैं, या फिर सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर इंतजाम हो सकते हैं, बाकी शहरों में ज़रा मुश्किल हो जाएगा? देखें एक तो वो कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा एतमाद जो है वो लाहौर पर ही है। और ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी लाहौर में ही है, लेकिन बहुत मुख्तसर 4 दिन के लिए वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आ रही है, और 7 टेस्ट मुल्कों के कुछ 14 के करीब इसमें प्लेयर्स शामिल हैं, तो यही चाहते हैं कि सिर्फ एतमाद बहाल हो, एतबार आए, लोगों को एतमाद हो कि हम पाकिस्तान में आकर खेल सकते हैं, और उसके बाद जो फ्यूचर में प्लान है कि एक मैच के लिए श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आएगी,
तीन मैचों के लिए वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आएगी, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है वो भी लाहौर में ही आएंगे और लाहौर से ही होकर ही चले जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुस्तकबिल में अगर इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो लाहौर तक महदूद नहीं रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में कराची को भी मैचेस मिलेंगे, बाकी शहरों को भी मैचेस मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि लाहौर में सिर्फ आ रही है। लाहौर में आ रही, बिल्कुल वही तो मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि लाहौर में क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है। अच्छा, थोड़ी सी अगर स्ट्रेटेजी के हवाले से बात कर लेते हैं, वर्ल्ड 11 डेफिनेटली एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और 6 बॉलर्स डाले हैं और 14 के करीब जो है वो सिलेक्शन की है तमाम प्लेयर्स की, तो सिलेक्शन के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि बड़ी परफेक्ट सिलेक्शन है, मजा आएगा गेम में? देखिए, वर्ल्ड 11 की टीम जो है उसमें 5 जनूबी अफ्रीका के प्लेयर्स शामिल हैं और नामी ग्रामी क्रिकेटर्स शामिल हैं, और इस बात से कतई नजर कि इन मैचों के नतीज क्या होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा महजूज होंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, बट आप पर्टिकुलरली पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रही हैं कि इसमें 6 बॉलर रखे गए। मैंने पूछा पाकिस्तान टीम के कैप्टन से कि आपने 6 बॉलर्स क्यों रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि आमिर के घर जो है बेटी की पैदाइश मुतवक्के है, तो मे भी हो सकता है कि आमिर कुछ मैचों के लिए दस्तयाब ना हो, इसकी बुनियाद पर हमने जो है एक्स्ट्रा बॉलर टीम में रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद पहली मरतबा हमारी टीम मैदान में उतरेगी, लोग बॉदर नहीं करेंगे कि इन मैचों के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि एक मिनट में लोगों की राय यहाँ पर तब्दील हो जाती है, बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब पीएसएल आया गया है तो इमरान खान की जानिब से बड़ा ही अजीब सा बयान आया कि जी फटीचा खिलाड़ी बुलवा लिया, आपको लगता है इस बार उनका शिकवा जो है वो दूर हो जाएगा? देखिए, इमरान खान की अपनी राय थी और कुछ शिकायत क्वेटा ग्लेडिएटर को भी थी, बहुत अच्छा उन्होंने टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था, लेकिन जब वो लाहौर आए थे तो उनके पास अच्छे प्लेयर नहीं थे। लेकिन जहां तक आप इस मैचेस की बात कर रही हैं कि वर्ल्ड 11 की टीम आ रही है, देखिए 5 जुनूबी अफ्रीका के उसमें प्लेयर्स हैं और जो कैप्टन है उनके वो जुनूबी अफ्रीका की टीम को लीड करते हैं, तो इस टीम के बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि कुछ 35 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं इस वर्ल्ड 11 के टूर के ऊपर, और ज्यादा पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं वो इन प्लेयर्स की पाकिस्तान आमद के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो एक मैच का एक प्लेयर को कुछ 30-35 लाख रुपए मिलेगा, और एक T20 मैच की फीस पाकिस्तान के खिलाड़ी की मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 लाख रुपए है। तो अब आप अंदाजा करें कि अगर किसी खिलाड़ी को एक मैच के 25-30 लाख रुपए मिल रहे हो तो वो तो खुशी खुशी आएगा। हाँ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप 15 लाख रुपए और बढ़ा देते, उनको कहते हैं यार आप कराची में आके खेल, कराची में आके खेल। ऐसी सूरत हाल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ये जरूर सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लानी है तो पैसे के बलबूते पर नहीं लानी है, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए क्रिकेट लानी है, तब तो क्रिकेट के लिए क्रिकेट लानी है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है और आपको सुनवाते हैं कि कराची के शहरी क्या कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि शहरी क्या कह रहे हैं। मैच होने चाहिए, तफरी होनी चाहिए, पाकिस्तान में तफरी होनी चाहिए, कराची हमारा इंटरनेशनल, बस वहाँ पे ये है कि वो उनका गवर्नर टाइट है, हमारा गवर्नर और हमारा वजीर आला डाउन है, उनका वजीर आला बड़ा कारम है, खादम आला है। यहाँ भी होने चाहिए, जब ग्राउंड बना हुआ है तो पाकिस्तान के लिए मैच इधर भी खेलने चाहिए, क्या हमारा भी हक इधर मैच देखने का और लोगों के भी हक है यहाँ पे आने का, और जगह भी आ जाएगा, बाहर से लोग भी इधर आ जाएगा, मैच देखेगा और खुशहाली भी आएगा। जिस तरह कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है इसी तरह नेशनल स्टेडियम में भी मैच होनी चाहिए। कराची वाले क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, कराची वालों को भी हक देना चाहिए। कराची वालों का हक है इस बारे में, कराची वालों को दिखाना चाहिए कि यहाँ पे मैचेस वगैरह स्क्रीन वगैरह पर लगा के एक फ़न होता है, ये भी एक इंजॉयमेंट होती है, मैच हारे या जीते इससे तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आवाम को बहुत यहाँ पर तफरी मिल जाती है। कराची में बल्कि ज़्यादा शौकीन है मैच के हवाले से, यहाँ कराची में कराने चाहिए। अब ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ना कि इसके ख़िलाफ़ कुछ थोड़ा बहुत करें। कराची में होना चाहिए मैच, और लाहौर में ही होते हैं, कराची वालों को तो ज़ाहिर है कोई तफरी मिलनी चाहिए, तफरी का मौका मिलना चाहिए। कराची वाला 70% कराची का मागर देता है तो ज़ाहिर है इसको तो मिलना चाहिए, कभी लाहौर में कभी इधर यहाँ वहाँ, दहशतगर्दी तो हर जगह ही हो रही है, लेकिन ये है कि कराची के अंदर तो अल्लाह का शुक्र है कि जब से रेंजर्स आई है काफ़ी बेहतरी आ गई है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला चाहिए गवर्नमेंट को भी कि यहाँ पर भी मैचेस करवाएँ। कराची वालों को एक खास लफ्ज होता है तफरी, तो वो कह रहे थे हमारे लिए तो तफरी का कोई मौका ही नहीं इस बार मिल रहा। अच्छा, ये बताइए कि भैया क्या समझते हैं आप, कितना क्रेडिट देना चाहेंगे नजम सेठी को इस इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए? पहले जब पीएसएल की बात करें तो तब वो चेयरमैन थे पीएसएल के, अब बात करें तो वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और काफी ज्यादा काबिश उनकी है, कितना क्रेडिट देंगे आपको इस सब? आपका ताल्लुक तो लाहौर से, आप क्या समझते हैं क्रेडिट देना चाहिए नजम सेठी को या होल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? एडवाइस हम चाहेंगे एक्सपर्ट जो आप। मैं तो सिंपल एक बात बोलूंगा, और वो सिंपल बात यह है कि
पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, शुरुआत की थी शहरयार खान साहब ने, और शहरयार खान साहब ने जाते जाते इस तमाम सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं की थी, उन्होंने अपने लबों को जुम्बिश देना छोड़ दी थी, इस पर बात करना उन्होंने छोड़ दी थी। मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना यह था कि बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं वर्ल्ड इलेवन की पाकिस्तान लाने के लिए, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल चाहता है तो उसको हमारे साथ शान कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और हमारे साथ माली मामलात में जो है हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये सारा बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है इसलिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने जो है वो लबैक कहा वर्ल्ड इलेवन की आवाज़ पर, और जिस तरह मैंने कहा कि आप पैसा दे रहे हैं खिलाड़ियों को और उसके ऊपर वो आ रहे हैं, सितंबर मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी दो T20 और एक तीन वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए, उसमें आपने 5 करोड़ रुपए दिए थे जिम्बाब्वे की टीम को, तो वो उसके ऊपर खेलने आई थी। जहां तक आप क्रेडिट देने की बात कर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि जब वर्ल्ड इलेवन की टीम का ऐलान किया था नजम सेठी साहब ने तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया, इंटरव्यूज दिए, अखबारों में उनकी हेडलाइंस चली, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा ये आपका काम है पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस नहीं ला सकता। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फौज है, रेंजर्स है, बाकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो जब तक इस बात की इंश्योरेंस नहीं देंगे कि जी पाकिस्तान में आप आकर खेलें आपको बहुत अच्छे फुल प्रूफ इंतजाम मिलेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, किसी को दावत दे सकता है, लेकिन ये मामला जो है वो सिक्योरिटी, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब पीएसएल हुआ था तो बकायदा श्योरिटी दी गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि जी हम आप लोग आए खेलें पूरा तरीके से, हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। जब पीएसएल के मैचेस की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हमारा फोकस क्योंकि लाहौर के ऊपर है जी, लाहौर ही क्यों आज सवाल है, लाहौर ही क्यों, तो लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कजाफी स्टेडियम की पिचेस ऐसी पिचेस हैं कि उस तरह की पिचेस बाकी शहरों में नहीं है, वहाँ पे रन रेट ज्यादा होता है, वहाँ पे जो है एक्साइटमेंट का लेवल हाई होता है, वो बस एक माइंड सेट बन गया है कि जी अगर मैच होना है तो कजाफी स्टेडियम में ही होना है या लाहौर के किसी दीगर स्टेडियम में होना है, पीएसएल के बाकी मैचेस लाइन में क्यों नहीं है, क्योंकि कोयटा करा लें, कोई कराची करा लें, गो के नजम सेठी ये कह चुके हैं कि जी मैं कोशिश करूंगा कि एक आधे मैच कराची में भी हो जाए। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग शॉपिंग मॉल तो जाते हैं, फिल्म देखने के सिनेमा के लिए जाते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टेडियम कभी आप नेशनल स्टेडियम के करीब से गुजरे, कभी अंदर भी मैं गई हूँ और मैंने देखा है, नो डाउट लाहौर का, नहीं नहीं लाहौर का क्राउड तो बहुत कमाल होता है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कभी आपने स्टेडियम अंदर से जाकर देखा, बड़ी मायूसी आपको होगी, टूटी हुई छतें हैं, टूटी हुई सीट्स हैं, बहुत ज्यादा मामलात हैं। बात दरअसल ये है कि मैं तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क गया हूँ, वहाँ पर मैंने क्रिकेट देखी है, हमारे क्रिकेट स्टेडियम और उनके क्रिकेट स्टेडियम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताऊं कि मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड जो है जहाँ 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता था, वो मैच के लिए जब ऑन होता है स्टेडियम, $1,00,000 खर्च होते हैं एक मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद अगर हम दुबई स्टेडियम की बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान सुपर लीग के मैच होते हैं, 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसके स्टेडियम के इंतजाम के लिए, बाकी मामलात के लिए। लेकिन इस वक्त अगर हम अपने क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, तो वहां पर आपको हर वक्त सफाई सुथराई मिलेगी। अब आपने 1.5 अरब रुपए रखा है नेशनल स्टेडियम की तजीन और आराइश के लिए। देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने की वजह से ताले डल गए हैं, लोग नहीं आते, हमारे डोमेस्टिक के मैचेस नहीं देखे जाते, तो ये एक हमारी क्रिकेट का डलमा है। लेकिन अगर आपको मुस्तकबिल में क्रिकेट करानी है, पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों को आबाद रखना है, आप पिचेस का सवाल कर रही हैं, देखिए पाकिस्तान में तो जैसे पिचेस हैं यार रंस तो होंगे। सरफराज अहमद से मैंने पूछा था कि हम जो वेस्ट इंडीज में 4 T20 मैच खेले, वहां पर सिर्फ 150 हुई थी, वो अहमद शहजाद ने की थी, उसकी वजह उन्होंने बताई कि लो बाउंस वाले पिचेज हैं, बॉल बैट के ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं आता। लेकिन उनका कहना यह था कि कदाफी स्टेडियम में ऐसा नहीं होगा, विश के पाकिस्तान की टीम भी अच्छे खेल का मुजाहरा करे, क्योंकि बैटिंग से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उनके बॉलर अच्छी बॉल करते हैं तो चलिए, तो टाइम रिवील करेगा कि क्या होता है इस मैच में। हम डेफिनेटली प्रे कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि दुआ भी चलती है पाकिस्तान। अब तो जो न्यू टैलेंट आ रहा है, जो पीएसएल से हमने उठाए लोग, वो तो कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वैसे दुआ भी साथ होती है, तो पीएसएल जो हमने अब कराना शुरू किया है या इस तरीके से कुछ मैचेस अब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं जो अपकमिंग न्यू टैलेंट है उसके अंदर कुछ सहारा आया कि यार अब भी हम भी जा सकते हैं सिलेक्शन? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बड़े अफसोस के साथ ये बात आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में बाकी किसी मौजू पे आपको बात करना आती हो या नहीं आती हो, यहाँ पर हर कोई स्पोर्ट्स का एंकर है, यहाँ पर हर कोई क्रिकेट का एनालिस्ट है, उसको खिलाड़ियों के नाम नहीं पता होंगे जो मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट पर तबसरा करने के लिए मौजूद है, उसको ये नहीं पता होगा कि ये वनडे मैच जो है वो कितने ओवर का है, एक बॉलर कितने ओवर कर सकता है, किस तरह खिलाड़ी आउट। लेकिन क्रिकेट पे बात करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अगर पान की दुकान पर भी चले जाएं,
उससे पूछे कि स्क्वाड क्या होगा तो वो 12 खिलाड़ी तो आपको बता देगा, एक दो खिलाड़ी ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के एक्सपर्ट के हवाले से कि पाकिस्तान में ये जो चीज़ें हैं किस तरह आगे जाएंगी, तो देखें बहुत ज़्यादा जब क्रिकेट का मैच होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो जोशो खरोश बढ़ जाता है, हर कोई क्रिकेट गमो गुस्सा भी बढ़ जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह कि पेशेंस नहीं है ना आपके पास। क्रिकेट का खेल है, दो टीमें जो मैदान में उतरेंगी एक जीतेगी और एक हारेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों टीमें जीत जाए। हाँ ऐसा भी होता है कि मैच टाई हो जाता है, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आप जो नए टैलेंट की बात कर रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रही हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि जो आप ये पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रही हैं ना, एक दो खिलाड़ी आए हैं परफॉर्म किया है उसके बाद वो चमकते हैं। मोहम्मद नवाज फर्स्ट सीजन में आए थे, उसके बाद वो कहाँ गए, खेल रहे हैं टीम के साथ, टीम में होते हैं, खेलते नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब लैपटॉप क्रिकेट हो गई है, जब खिलाड़ी आता है उसको दुनिया की टीम ने देखा नहीं होता है। जिस तरह शादाब आए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जब वो मुसलसल खेलते हैं फिर उनका चार्ट बनता है, उनके ऊपर वो होमवर्क करके आते हैं, फिर उनका परफॉर्म करना बहुत बड़ा सवाल होता है। सेम एज इट इज फखर जमान के ऊपर मेरे बड़े सीरियस कंसर्न्स। थैंक यू सो मच याया, आप हमारे साथ थे और खेलों की बातें हो रही थी, बड़े जबरदस्त से तजवीज जो है वो हमने याया से लिए। डेफिनेटली इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि पीएसएल जब आगे हो तो डेफिनेटली ना सिर्फ लाहौर तक महदूद है बल्कि मुख्तलिफ शहरों तक वो जरूर फैले। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई की साबिक रहनुमा आयशा गुलालई इस वक्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तहरीके इंसाफ ना मैंने छोड़ी है ना मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पार्टी है और पार्टी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक पार्टी को बनाते हैं, सिर्फ एक शख्स पार्टी नहीं बनाता। का मंशूर, तहरीक इंसाफ का मंशूर, विजन ये भी किसी इमरान नियाजी ने नहीं बनाया और ये पार्टी इमरान नियाजी की जागीर नहीं है। इस पार्टी में हमारे वर्कर्स, हम सब की दौड़ धूप, हमारी मेहनत, हमारी मुशक्कत, हमारा खून पसीना इस पार्टी में शामिल है। किसी इमरान नियाजी को यह हक नहीं पहुंचता और ना हम उसको यह हक देंगे कि वो हमें इस पार्टी से निकाले। इस पार्टी का मंशूर भी इमरान नियाजी ने नहीं बनाया, इस पार्टी का विजन भी इमरान नियाजी का नहीं है, ये विजन भी पार्टी के मुख्तलिफ लोग, बहुत सारे लोगों का विजन और मंशूर है। ये तो चूंकि एक सेलिब्रिटी थे इसलिए उनको आगे कर दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान के अवाम ने मुझे कहा है कि इमरान नियाजी की बदकिरदारी की सियासत अब नहीं, इमरान नियाजी की मक्कारी की सियासत अब नहीं चलेगी, झूठ की सियासत अब नहीं चलेगी, पुराने साथियों को भूलकर और पार्टियों से करप्ट वडेरों को लाने की सियासत नहीं चलेगी, मुनाफकत की सियासत नहीं चलेगी, अस्पताल के नाम पर खैरात का पैसा खाने वालों की सियासत नहीं चलेगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फंडिंग खाने वाले की सियासत नहीं चलेगी, गलम गलोच की सियासत अब नहीं चलेगी। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे कहा है कि चूंकि ये शख्स अब हमारा सरबराह बनने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि ये एक बदकिरदार इंसान है, ये एक झूठा मुनाफिक और ये मकार इंसान है जिसने कभी अपने पुराने साथियों की, जिन्होंने दौड़ धूप की, उनकी कदर नहीं की। इनके साथ स्टेज पर हमेशा वडेरे और करप्ट लोग बैठे होते हैं, जबकि जलसों में गरीबों और मिडिल क्लास को बुलाता है और पार्टी में मिडिल क्लास और गरीब, नौजवान और ख्वातीन की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारी रहनुमाई करें क्योंकि यह शख्स हमारा सरबराह बनने के अहल नहीं रहा। एक बदकिरदार शख्स किसी भी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता। ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी है, ये पार्टी पाकिस्तानी अवाम की पार्टी है, ये किसी की जाति जागीर नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर इमरान नियाजी के पास जागीर तरीन हुआ तो क्या हुआ,
हम पीटीआई के वर्कर्स और पाकिस्तान के अवाम आपके स्पॉन्सर्स बनेंगे और मैं पाकिस्तानी अवाम और पीटीआई के वर्कर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पीटीआई के वर्कर्स को यह पैगाम भी देना चाहती हूं कि एनए 120 में एक बदकिरदार शख्स जलसा करने लगा है 8 सितंबर को, उसके जलसे में आप ना जाएं ताकि उसको पता चले कि इस शख्स का तख्ता उलट चुका है। इसके पास आज सब करप्ट लोग मौजूद हैं। इसका वजीर आला ये तो कहते थे कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम टैक्स के पैसों का ज़िया नहीं करेंगे, हम गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे। इसका वजीर आला आज 1,86,00,000 का गरीब खून पसीने के टैक्स के पैसों से स्विमिंग पूल बना रहा है। ये क्या नया पाकिस्तान है? क्या इस पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी हैं? मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि ईद के तीसरे दिन मैं लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पहुंची, क्योंकि इनकी धमकियों और इनकी गुंडागर्दी की वजह से मैं पेशावर नहीं जा सकती थी। ईद के तीसरे दिन इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें उन्होंने शदीद एलिगेशन लगाए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये पार्टी उनकी अकेले की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, ये पार्टी पीटीआई के हर कारकुन की पार्टी है। इसके हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज अहम स्टोरी आपको बताएं कि कराची के साहिल पर समंदरी आलूदगी में अचानक से इजाफा हो गया है, और इस आलूदगी के इजाफे की वजह से समंदर पर मौजूद तेल की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है, जो किसी बहरी जहाज से रस कर सतह पर अब मौजूद हो गई है। समुद्री आलूदगी यकीनन आबी हयात के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जबकि कराची के साहिल सीव्यू पर होने वाली इस आलूदगी के बायस पानी में गंदगी हो रही है और इसकी रंगत भी तब्दील हो रही है। फौरी तौर पर साहिल पर आने वाले शहरियों को दूर रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि आलूदगी साफ करने के लिए भी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इस जुर्म के पीछे हाथ किसका है अब तक ये सामने नहीं आ सका। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मेरीन पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के सीव्यू के पानी के टेस्ट किए गए हैं, जिसके मुताबिक पानी में तेल के अज्जा जरूर मिले हैं, लेकिन ये तेल आया कहाँ से ये अब तक मुअम्मा बना हुआ है। ये सारा मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मौजम साहब, और आपको बताएं कि WWF के ये टेक्निकल एडवाइजर हैं मोहम्मद मौजम खान। आपको बहुत बहुत हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। सर, ये मामला क्या है? ये ऐसा है कि सुंदर में किसी भी जगह से, जिसके बारे में अभी तक तयन नहीं हो सके क्योंकि ऑयल को ट्रेस करना जरा डिफिकल्ट होता है, लेकिन तमाम इदारे इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि पता कर सके कि ये तेल कहाँ से रिलीज हुआ है। और ये काफी दिन पुराना तेल है क्योंकि ये ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है और इमल्सीफाई हो चुका है, और ये अब क्रिस्टन के साहिल पे तकरीबन दो जगहों पे फैला हुआ है। एक तो जो मैकडॉनल्ड से लेकर तकरीबन कोई 2 किलोमीटर तक है, और इसी तरह जो डेविल पॉइंट से लेकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ये ऑयल के पैच मौजूद हैं, जिनकी चौड़ाई तकरीबन कोई 300 मीटर और 350 मीटर के हैं। तो ये तेल की बहुत समुद्र के एतबार से और ऑयल स्पिल के एतबार से एक छोटा सा स्पिल है, जिसका ओरिजिन अभी तक नहीं पता है, और ये जब हमारे क्रिस्टन के साहिल पर मानसून की हवाओं से आया है तो यहाँ पे इसकी वजह से ये पोल्यूशन हुआ है। तो ये भी एक बात और भी अहम है कि बारिशों के बाद जो मुख्तलिफ शहर के नालों के जरिए कूड़ा करकट जो है समुद्र के किनारे आ जाता है, तो ये दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं। क्रिस्टन के इस वक्त कूड़े की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो कि सॉलिड वेस्ट है, और इसके अलावा ये ऑयल का भी पोल्यूशन है। ठीक, अच्छा मौसम साहब ये बताएगा, ये कोई पहला वाकया नहीं है जो हम देख रहे हैं कि साहिल के ऊपर ऑयल आ गए। इससे पहले हमने देखा इसी साल में मई में सैंड स्पिट पर भी जो है वो हमने देखा कि इस तरह का ऑयल सामने आया था। ये कहाँ से ऑयल आ जाता है और फिर इसकी इस तरह के वाकयात की रोकथाम को हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं? क्या स्पेसिफिक हिदायत जारी करनी चाहिए इंडस्ट्री वालों को, या फिर जो ऑयल किसी बहरी जहाज से लीक हो जाता है उस हवाले से भी कोई इंस्ट्रक्शन जारी करनी चाहिए? जो मई में भी वाकया हुआ था उसमें भी अभी तक ऑयल को ट्रेस नहीं किया जा सका है कि उसका ओरिजिन किए। शायद आपको पता हो कि जो अरेबियन सी का जो पाकिस्तान का साहिल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की ट्रेड की रूट है, जहाँ से दुनिया भर में पर्शियन गल्फ कंट्री से तेल जाता है। तो कभी एक्सीडेंटली भी रिलीज हो सकता है, पाकिस्तान में जो ऑयल रिसेप्शन टर्मिनल्स हैं वहाँ से भी रिलीज हो सकता है।
लिहाजा अभी तक इसको ट्रेस नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे और उन्होंने मिलकर एक मरीन पोल्यूशन कंटीजेंट प्लान बनाया हुआ है, जिसमें अगर कोई बहुत बड़ा वाकया हो, क्योंकि ये दोनों वाकयात बहुत ही छोटे स्केल पे थे और इसमें रिकवरी करना कोई जरूरी नहीं थी, क्योंकि पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड था, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया होता है तो बाकायदा एक प्लान मौजूद है जिसके तहत इस किस्म के ऑयल को बाकायदा बूम्स के जरिए घेर कर उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि तस्वान स्पीड के वाकये के बाद से 2003 के बाद से इदारे खासी हद तक विजिलेंट हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ पोर्ट मुख्तलिफ साहिल के लिए बाकायदा ये प्लान मौजूद है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा वाकया हो, लेकिन अगर होगा तो जो बहुत सारे इदारे हैं इसमें पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, दूसरी पोर्ट शामिल हैं और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी शामिल हैं, तो अगर कोई इस किस्म का खुदा नखास्ता वाकया होता है तो अब कोशिश ही होगी कि ये ऑयल ठीक है सर। हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं समंदर के हवाले से और सी व्यू के हवाले से हमने बात की, आपने कहा कि जी मैकडोनल्ड से लेके आगे 2 किलोमीटर तक वहाँ पर ऑयल मौजूद है, बिल्कुल आपने सही बात की है, कचरा भी वहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, और आप देखें कि वो वाहिद जगह है कराची में जहाँ पर मैकडोनल्ड की वजह से या डेफिनेटली खाने पीने की स्ट्रीट है, आगे जो है वो एक और रेस्टोरेंट है, तो उस हवाले से जो है वो वहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी है, ऑयल का भी है, इसके हवाले से साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं ओवरऑल? ऐसा है कि किसी भी सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड पोल्यूशन हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, उस इलाके की लाइफ पे भी इंपैक्ट होता है, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी है, और इंसान पे भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये पोल्यूटेंट है और ये ज्यादातर कराची के गंदे नालों से जिसमें इंसानी फजला भी शामिल होता है उससे होते हुए आते हैं, तो ज्यादा ये कंटेमिनेटेड होते हैं, लिहाजा जनरली लोगों को चाहिए कि इसको अवॉइड करें इन पानियों में जहाँ पर ये है या ये कचरा मौजूद, ये गंदा पानी आता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। कोशिश जारी है कि पाकिस्तान का जो कराची का जो स्वेज है उसको ट्रीट किया जाए, लेकिन वो अभी तक सिर्फ मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका है, बल्कि इसमें जो पहले भी होता था वो भी बंद हो चुका है, ज्यादा हमारे साइल जो है वो खास एक्सपोज हैं इन पोल्यूटेंट के ऊपर, और लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और लेकिन इदारों को इसमें काम करने की बहुत जल्दी और बहुत तेज करने की काम की जरूरत है, ताकि हमारे साहिल कम से कम इतना पोल्यूटेड ना हो कि लोग उसे जा ना सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएगा, आवाम अक्सर ही ऐसा देखा है हमने कि लालमी में बहुत से हादसात की लपेट में आ जाती है, इससे पहले भी हमने एक देखा एक वाकया जहाँ पर ऑयल टैंकर गिरा और उसके बाद लोग वहाँ पर ऑयल लेने के लिए पहुंच गए और वहाँ पर लालमी उनकी थी और वहाँ पर आग लग गई और हादसात का वो शिकार हो गए, काफी जाने भी उसमें जाया हुई है। अब इसी तरह का हम वाकया देख रहे हैं कि जिस समंदर के ऊपर ऑयल आ गया है, दो आपने कहा कि इतना ज्यादा इसकी थ्रेट नहीं है, इमीडिएट थ्रेट नहीं है, मरीन लाइफ भी बहुत ज्यादा इससे डैमेज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आवाम जो इस वक्त देखने के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई किसी किस्म के एहतियाती तदाबीर आप उन्हें बताना चाहेंगे? पहली बात तो है कि किसी कोई भी ऑयल जब पानी में मौजूद होता है वैसे मौजूद हो, इसको इंसानी जिस्म से नहीं लगना चाहिए, लिहाजा अगर आप देखने जा रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि पानी में जाने का मतलब ये है कि आप किसी एक्सपोज होगा, तो ऑयल का जो क्रूड ऑयल होता है उनका इंसानी जिस्म से जब कॉन्टेक्ट होता है तो उसके खासे नुकसान हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं और कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है, तो सर ओवरऑल जहां तक हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी अभी तो ये एक माइनर सा इंसिडेंट है, क्रूड ऑयल वहां पर मौजूद है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर इकदाम करने चाहिए, इसके लिए किस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब तक वो वहां से विपर आउट नहीं हो जाता, तमाम चीजें वहां पर क्लीन नहीं हो जाती, तो आपको नहीं लगता कि आवाम के लिए वो जगह थोड़ी सी बंद कर देनी चाहिए? शायद बंद करना इतना सख्त एक्शन की जरूरत नहीं है, लोगों को अगर अवेयरनेस दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी बीच को बंद करना बहुत सारे उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो, लेकिन कोई इतना बड़ा इंसिडेंस नहीं है कि हम पूरी बीच को बंद कर दें या कोई इस बारे में करें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि वहां ना जाएं, क्योंकि उसके जाने से उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन बीच चूंकि बहुत बड़ी है, क्लिफ्टन की बीच बड़ी फेमस बीच है, लेकिन जो पोल्यूशन है क्लिफ्टन की बीच पे एक परमानेंट प्रॉब्लम बन गई है, स्पेशली जब से ये डीप पोर्ट बनी है, तो इस इलाके में पानी का सर्कुलेशन चेंज होने की वजह से यहाँ पर अब सॉलिड वेस्ट शहर का वो खासी तादाद में जमा होता है, और सॉलिड वेस्ट को पहुँचने की जिम्मेदारी आवाम की है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मौसम साहब, आप हमारे साथ थे और इस अहम मौजू पर जो है वो आपने अपनी हिदायत भी आवाम तक पहुंचाई है, मेरा ख्याल है कि आवाम तक आपका मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच चुका है, और आप लोग भी अपनी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है बल्कि हमें भी जो है वो नुकसान पहुंच रहे होते हैं, और अपने बीचेस को साफ रखने की जो है वो कोशिश हम सबको करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और कुछ ईद की भी बात कर लेते हैं, और ईद में तमाम जानवर कुर्बान कर दिए गए हैं, लेकिन एक दुम्बा ऐसा था
जो कि बच गया। और ये क्यों बच गया, इसकी क्या खूबसूरत सी चाल है और किस तरह से उछलता कूदता नजर आ रहा है, ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है, आप भी देखिए किस तरह की वीडियो है। छोटू और ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी ये वीडियो है और किस तरीके से ये भाग रहा है और फिर भाग के वापस आ रहा है। मेरा ख्याल है इसकी खुशी का सामान ये वीडियो लग रही है मुझे। और अच्छा वैसे मैंने दोबारा वापस आ गया, अक्सर मैंने देखा है कि जो इस तरह दुम्बे शुम्बे भाग रहे होते हैं कभी भी चारों टांगे एक साथ उछाल के नहीं भागते हैं, दो आगे की दो पीछे, लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ बड़ी ही खुशी के साथ जंपिंग अराउंड कर रहा है। पहले सीधा स्ट्रेट जाता है, फिर उसको पता है कि ये मेरा पॉइंट है, फिर उसी पॉइंट से फिर वो वापस आ जाता है। जनाब बड़ी मजे की वीडियो थी ये। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर लेंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक और बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी स्टोरीज आपके साथ अभी भी शेयर करना बाकी है, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब इतनी सारी बातें कर ली, इतने सारे मौजू पे डिस्कशन कर ली है तो भूख तो बनती है, और जब भूख लगती है तो हम जाते हैं हमारी रैपिड रेसिपी की जानिब। सो हियर वी गो एंड चेक इट आउट। मजेदार सी रेसिपी थी जनाब, एंड आई होप कि आप लोगों को ये बारबेक्यू चिकन पॉपर्स बहुत ही पसंद आए होंगे क्योंकि इसमें बारबेक्यू सॉस भी थी और बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी लग रहा है, तो आप लोग अपने घरों पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब हमारे शो का टाइम जो है वो बिल्कुल अब खत्म होने को आया है, और अगर थोड़ी सी बात की जाए ओवरऑल, अगर हम रैपअप करें अपने शो को, तो डेफिनेटली आज हमने अहम मौजूद पर बात की, और आज हमारा जो मेन आज जो हमारा सेलिब्रेशन है या जो आज हमारा डे है वो पाक फिजाइया के हवाले से है, यौम फिजाइया आज मनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तो हमारा मुल्क जो है इतने सुकून से है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती है, हर शहरी अपने आप में ये सोचता है कि जी हम बड़े अमन से रह रहे हैं, हम पुरअमन हैं, हम पे तहफ़ है। तो आज के दिन हम अपनी पाक फ़िज़ाइया को, तमाम फोर्सेस को जो है वो सलूट पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे उनकी खिदमात को, वो जो अपनी कीमती जानों का नजराना दे रहे हैं सरहदों के ऊपर और मुल्क के अंदर भी, उनकी खिदमात जो है वो काबिल ज़िक्र है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको खसूसी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे इजाज़त आएंगे, और जाने से पहले जनाब आपको कहना चाहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर सेम चैनल पर, कुछ नए मेहमानों, कुछ नए टॉपिक्स और कुछ मजेदार सी स्टोरीज के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।